रही हो? देखती हूँ मैं बाल मित्र और बाल सखी के हाथों से कैसे तुम ये चिप निकालती हो। बस 1 मिनट और 15 सेकंड बचे, उसके बाद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई भी तहस नहस हो जाएगी। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ रानी परी, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आप अंतरिक्षण का ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं बाल सखी और बाल मित्र के हाथ से वो यंत्र निकालता हूँ। ठीक है बाल। वायरस बॉम्ब को फटने के सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम भी नहीं। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई, मुझे अपनी बहन को आजाद करना है। तुम फायरिंग करती रहो। मैं आपको इस खूंखार जैसे खतरनाक क्रिमिनल के पैर छूते हुए नहीं देख सकता। हाँ तो अपनी आंखें बंद कर ले। जीजा जी, मैं भी नहीं देख सकती। हाँ तुम भी अपनी आंखें बंद कर दो। वैसे भी थोड़ी देर के बाद मैं हमेशा के लिए बंद करने ही वाला हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपको डंडा मारा। पता है। हमने आपको बेहोश किया। पता है। हमने आपको साड़ी पहनाई। सर को ये भी पता है। मैं इसके लिए आपकी माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। गिरी, उसकी आंखों में मिर्ची गिरी। कहाँ है वो? कहाँ है मतलब यही? कहाँ गए? बुड्ढे तेरे पीछे। मेरी आग जल गई, मेरी आग जल गई, मेरी आग जल गई है। पहले चूना लगाया, ये मिर्ची। ए बुड्ढे तेरी एक पारी रेट नजदीक आ गई है, पहले तुझे ही खत्म करता हूँ। तेरा बाप इंस्पेक्टर, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। इन दोनों को ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया। तुम दोनों भी थाने आ जाना। हमें क्यों? डंडा खाने? नहीं डंडा खाने नहीं, इनाम लेने। इस पर 25,000 रुपए का इनाम है। चलो बेटा, चलो तुम्हें जेल की आम खिलाता हूँ। मैं वापस आऊंगा। तुम दोनों अच्छा नाचते हो, बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। ए, ए, बहुत अच्छा। 25,000 रुपए। परियो, विस्फोटक निकल चुका है। अब हमारे पास केवल 20 सेकंड बचे हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। परियो, परिलोक को बचाना बस संभव है, जल्दी चलिए। We'll be right back.
बालवीर, रानी परी बालवीर का है, वो अब तक क्यों नहीं आए? बालवीर, बालवीर, रानी परी, हमें तो डर है कि कहीं बालवीर विस्फोट में। नहीं डरी परी, कोई भी विस्फोट सच्चाई और अच्छाई को नष्ट नहीं कर सकता। हाँ परी, वो देखिए। चादर चढ़ी, एक रोशनी थी जगी, जब छाई तकलीफें बढ़ी, एक उम्मीद थी खड़ी, राह में पत्थर जितने पड़े, आखिरी दम तक वो ही लड़े, राह में पत्थर जितने पड़े, आखिरी दम तक वो ही लड़े, जो गिर के उठे उठ के उभरे, हर मुश्किल वो आसान कर जाए, आया बालवीर, शाबाश, आपने परितारा को बचाकर परियों की जीवन रेखा को बचा लिया है, हमें आप पर गर्व है बालवीर। हाँ बालवीर, अगर परितारा नष्ट हो जाता तो हमारी शक्तियां भी समाप्त हो जाती। मुझे क्षमा कर देना रानी पर, मैं हमारे परिलोक को नहीं बचा पाया, हमारा घर जहां पर हम सदियों से रहते हैं उसे मैं नष्ट होने से नहीं बचा पाया। मुझे माफ कीजिएगा रानी परी, माफ कीजिएगा। बालवीर, बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज सच्चाई और अच्छाई जीत गई। बालवीर, हम एक नया परिलोक बनाएंगे। क्यों पर? जी रानी परी। परियों, अब हमें यहां से चलना होगा। चल। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। मैं जानता हूं दादाजी कि आपको इससे थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं
और इन्हें आपकी मदद की जरूरत है। बालवीर, जब तुम हमारे बच्चों की रक्षा करते हो तब तुम सोचते हो कि तुम्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? नहीं ना, तो तुम बेफिक्र होके बताओ कि हम तुम्हारे दोस्तों की क्या मदद कर सकते हैं। एक दुष्ट ने हमसे हमारा घर छीन लिया है, जिसके कारण हमें हमारा घर छोड़ना पड़ा। क्या हमारा परिवार आपके घर में कुछ समय के लिए रह सकता है? बस इतनी सी बात भाई, आप जब तक चाहे हमारे घर में रह सकते हैं, है ना बाबूजी? बिल्कुल, तुम निश्चिंत होकर अपने दोस्तों के परिवार को यहाँ बुला सकते। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया दादाजी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस बस बस, शुक्रिया शुक्रिया महेश, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सैकड़ों साल परियों की कैद थी, तो मैं आजाद कैसे हुई? किसने किसने किया आजाद मुझे? ये परी लोग की ये हालत, किसने तबाह किया परी लोग को? ये तो मेरे ग्रह की स्पेसशिप है, ये यहां कैसे? ये स्पेसशिप नष्ट कैसे हुआ? किसने किया इस पर आक्रमण? ये तो मेरी बहन वायरस के कैच था। इसका मतलब मेरी बहन वायरस मुझे यहाँ आजाद कराने आई थी, लेकिन वायरस को ढूंढने के लिए मुझे जानना ही होगा कि आखिर यहां क्या हुआ था।
दादाजी, महेश जी, यह है मेरे दोस्त का परिवार। नमस्कार। आइए 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 आइए, हमारे घर में आप सभी का स्वागत है। परियों, आप परियों जैसी ही खूबसूरत है ना, इसलिए मैंने कहा। अरे ये परियां ही है। मेरा मतलब, जैसे मेहमान भगवान का रूप होते हैं, वैसे ये मेहमान भी परियों का रूप है। वही तो, मुझे तो ये सोचकर गुस्सा आता है कि ऐसे खूबसूरत लोगों पे मुसीबत आ ही कैसे सकती है। छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी इनको मुसीबत में डाला है उनको छोड़ूंगा नहीं। दादाजी संभालिए अपने आपको। हाँ हाँ बालवीर, मैं तो ये कह रहा था कि अब ये हमारे घर पे आ गए हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनका ख्याल रखेंगे। बाबूजी आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मुंह की बात छीन ली। हाँ तो इनको अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आइए ना, आइए। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। अब ये भूत कॉलम यंत्र मुझे बताएगा कि आखिर मेरी बहन के साथ यहां क्या हुआ था। जाने के लिए नहीं आई, मुझे अपनी बहन को आजाद करना है। तुम फायरिंग करती रहो। परियो, सिर्फ 20 सेकंड बचे हमारे पास, विस्फोटक निकल चुका है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। जल्दी कीजिए परियो, जल्दी कीजिए।
मेरी बहन वायरस, वो मुझे आजाद करने आई थी, लेकिन तुमने उसका अंत कर दिया। तुमने ठीक नहीं किया बालवीर। मेरी बहन वायरस ने तो सिर्फ परीलोक को नष्ट किया है, लेकिन मैं प्रचंड का तुम सबको ढूंढ कर तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि बदला क्या होता है। मेरी बहन, तुम्हारी जिंदगी को छीनने वालों को मैं माफ नहीं करूंगी। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। प्रचंड का आप खुद में इतनी शक्ति खटा करेगी, इस पूरे परिलोक को तबाह कर सको, अपनी बहन वायरस का पता ले सको। ए मेरी मर्क्यूरी शक्ति, देखा अपनी शक्ति। बना मेरे लिए फिर से ये बस
अब यही बचा है तुम्हारे भाग्य में मेरे दुश्मनों। मानव, आपके दादाजी और पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। रानी परी, वो मेहमानों की खातिरदारी पूरे दिल से करते हैं। बचाओ बालवीर, बचाओ बालवीर, बचाओ। रानी परी, कुछ बच्चे हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं, हमें जाना होगा। ठीक है बालवीर, आप तीनों जाइए और जाकर बच्चों की मदद कीजिए। जी रानी परी। चाय 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 चाय। मेरे हाथ की चाय पीजिए, इसकी चर्चा यहाँ से लेके अहमदाबाद तक है। बापूजी, बापूजी, आपके चाय के चर्चे इनको क्या, किसी को नहीं मालूम है पूरी दुनिया में। इसकी बात मत सुनिए, आप चाय पीजिए। आप इतना कह रहे तो हम चाय पी लेते। मेरे हाथों की चाय पियोगे ना आप, तो आपके तो होश उड़ जाएंगे। हाँ, होश तो उड़ ही जाएंगे, क्योंकि बापूजी जब चाय बनाते हैं ना तो शक चाय में नमक डालते हैं। भाई इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है, गर्मी में तो ठंडा ठंडा नींबू शरबत पीते हैं लोग, और वो भी महेश डगली के हाथ का मिल जाए तो फिर क्या कहने। लीजिए लीजिए भाई, जबरदस्त ठंडा नींबू पानी। हाँ, इतनी गर्मी में तो हम नींबू पानी ही पिए। यस, बेकार है? ये नींबू पानी बेकार है। देखिए आप मेरे मेहमान हैं, तो मेरे हाथों से बनी हुई चाय पिएंगे। बापूजी, बापूजी, ओ बापूजी, ये लोग मेरे भी मेहमान हैं, तो मेरे हाथ का बना हुआ जबरदस्त बढ़िया सा नींबू शरबत ही पिएंगे। नींबू पानी चाय। बापूजी, नींबू पानी चाय, नींबू पानी चाय, नींबू पानी चाय, नींबू पानी चाय, पानी चाय, पानी चाय। यहां बनेगा हमारा नया रानी महल। रानी परी, अब है ही बन रहा नया परीलोक, तो बना दीजिए हिमक्रीम का झरना नया परीलोक में, और हिमक्रीम का खेत भी, और हिमक्रीम के मौसम की बारिश भी। डूबा डूबाओ, ये हमारे लिए परीलोक बन रहा है, हिमक्रीम लोग नहीं, समझे? हाँ डुबा डुबा, आर पार परी बिल्कुल ठीक कह रही है, परीलोक का निर्माण कोई हास्य का विषय नहीं है। और वैसे आप यहाँ से जाइए और हमें हमारा कार्य करने दीजिए, वरना आप जानते हैं ना कि क्या होगा। होगा ये कि हमारे नए परीलोक में आप सबके लिए हिमक्रीम का प्रबंध नहीं होगा। नहीं नहीं रानी परी, ना करेंगे हम किसी को परेशान, और ना ही होगी कोई गलती हमसे। चलो रुकी डुबा डुबा, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, ये हमारा परीलोक नहीं है, ये किसी का घर है, और बिना उनकी आज्ञा के किसी भी वस्तु का उपयोग आपको नहीं करना है, ठीक है? हाँ है, ठीक है, ठीक। चलो We'll be right back.
बच्चों की मदद की पुकार तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई बच्चा है और ना ही कोई आवाज। हाँ बालवीर, लेकिन थोड़ी देर पहले तो बच्चों की आवाज आ रही थी। हाँ, इसलिए तो मैं सोच में पड़ रहा हूँ कि हमें यहाँ बुलाने के पीछे कोई और कारण तो नहीं। जवाब बाहर से ही देना होगा बाल सखी, उसका अंत किए बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। मेरा अंत करना तो बहुत दूर बालवीर, तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे। तुम्हारा बड़े से बड़ा बाल मुझे छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारे परीलोक का अंत तो मैं कर चुकी हूं, अब तुम्हारे अंत की बारी है। मेरी बहन वायरस के अंत का बदला तुमसे तुम्हारा जीवन छीन कर लूंगी। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। अलविदा बालवीर, अलविदा। शास्त्र शुक्रिया बाल मित्र। लेकिन बालवीर, हम पर वार करने वाला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर हम उसे कैसे रोके? हाँ बालवीर, पर ऐसे तो हमारा दुश्मन हम पे वार करता ही रहेगा। बाल सखी, बाल मित्र, हमें उसे रोकने के लिए जिस दिशा से अग्निशस्त्र आया है उसी दिशा में पूरी ताकत लगाकर वार करना होगा। इस बार तो तुम बच गए बालवीर, लेकिन प्रचंडिका के तकनीकी शक्ति तुम्हारे जादुई शक्तियों से बहुत आगे है। मेरे स्पेस
स्पेसशिप के मिसाइल्स की आगे तुम्हारे ये मामूली तीर कुछ नहीं कर पाएंगे। अचानक ये धमाका, वार करना शुरू करो बाल मित्र। बालवीर, सामने से हम पर वार होना बंद हो गया है। फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.